और वो पत्थर बन चुके हैं और यही एक निशान है यहाँ का। एक यहाँ पर वो निशानी है, बाकी देखिए अंतर्ध्वन से जो आदमी दिखेगा तो मतलब सेत के रूप में, मतलब पांचों पांडव यहाँ दिखेंगे। नहीं जा में बिहा कर रहे थे अब जा जा नहीं, बिहा नहीं जहाँ करो तहाँ कर दिया। हैं। देखिए कुछ ज्यादा मोटे हो चुके हैं। जल्दी जल्दी निशान हाथ दे जल्दी। क्या बताएगी, चलो 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 और फ्रेंड चलो आप यार। ओ माय गॉड। मैं भाई तो स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं घूमने हमारे भाचा भाची लोग के साथ। ये देखिए इधर चांदनी है, आप वीडियो में मिल ही चुकी होगी पिछले वाले वीडियो में, और इधर भाचा श्री है। हाय दोस्तों, तो चलिए आपको घुमाते हैं एक खास जगह और यहाँ से प्रोग्राम को शुरू किया जाए। और आज का वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो बहुत ही मज़ा आएगा आज। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप सभी। दोस्तों हम लोग बागबाहर से निकल चुके हैं। माड़ू गुफा जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक लेलुंगा साइड से और एक है कोतबा साइड से। तो हम लोग कोतबा साइड से निकल रहे हैं क्योंकि यह रास्ता पास है। दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। मान्यता है कि यहाँ भीम की शादी हुई थी, वो तो आगे जाने पर हमें पता चलेगा। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज माड़ू गुफा। भाची लोग आगे वाले हैं, मतलब भाचा आगे है और हम लोग हैं चांदनी भाटी के साथ। और माड़ो गुफा जाने का दो रास्ता है, एक लेलुंगा वाला मेन रोड है और एक हम लोग अभी शॉर्टकट से जा रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और माड़ो गुफा जाने के लिए आपको कोतबा से कटना पड़ेगा शॉर्टकट के लिए। ये देखिए फ्रेंड, ये है शॉर्टकट रास्ता बरसा टोली के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे बताते जाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हनुमान भगवान की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है रास्ते में ही। और ये देखिए हमारे भाचा भाची लोग। दोस्तों आप ये गांव देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है, मस्त घर देखिए, कच्चे मकान। और ये गांव का नाम है गोलियागढ़। चलिए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। यही है ये राइट साइड में, ये है परसा टोली और यहीं से हम लोग को पटना है माड़ो के लिए। परसा टोली का स्कूल है और यहीं से हम लोग जा रहे हैं माड़ो। नहीं दादी, ए माड़ो गुफा जेल ने रास्ता सीधा सीधा की ये बता चुके हैं हम लोग। लेकिन ऐसा हुआ कि वीडियो बनाने बन नहीं रहा था, हाची थोड़ा सा अभी नॉन एक्सपीरियंस वाली हैं। तो फिर अब हाची अब बाइक चला रही हैं और मैं अभी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगा, शूट करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो थोड़ा और भी मजा आएगा, हाची थोड़ा सा गाड़ी चला रही है और इनको प्लेटिना का आदत है तो गाड़ी मतलब बाइक से गिरा थोड़ा डर है। फ्रेंड हम लोग को अभी कोतबा वाले रास्ते से आए, तो फिर अभी इस देख रहे हो कच्चा वाला रास्ता पकड़ना है, अंदर है मंदिर। और ये जो रास्ता है वो लेलोंगा से आता है, मतलब लेलोंगा से मतलब हल्का कर रहा है अभी उड़ा, वहाँ से कटते हुए फिर बस इस रोड, मतलब दो मतलब यही रोड है आगे जाने के लिए। तो ये फरसा टोली वाला रोड है और ये है लेलुंगा रोड से जब आते हैं मतलब कर्रा बेवड़ा, और हम लोग को जाना है इस दिशा में, सॉरी इस रोड पे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं माड़ो गुफा और इधर देखिए माड़ो गुफा का ये मंच है, यहाँ शिवरात्रि मेला लगता है। और पीछे देखिए वहाँ लिखा हुआ है माड़ो गुफा प्रवेश द्वार, और यहाँ देखिए शनि भगवान का मंदिर है। तो चलिए मैं आप लोगों को माड़ो गुफा लेकर चलता हूँ। और भाचा भाची लोग फुल माहौल में हैं, फुल टसन में हैं, खूब मज़ा ले रहे हैं। तो आप लोगों को मैं माड़ो गुफा लेकर चलता हूँ और ये देखिए माड़ो गुफा प्रवेश द्वार, शराब पीकर अंदर प्रवेश करना नहीं है, मतलब वर्जित है। और देखिए यहाँ का सामुदायिक भवन है और यहाँ देखिए स्वागत के लिए, अच्छा जूता चप्पल बाहर रखना है, अभी तो फूल नहीं खिले हैं इसमें, लेकिन
काफी अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ की लताएं, और इधर देखिए ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग का दरवाजा यहीं से खुलता है। अब भाचा बोल रहे हैं कि स्वर्ग का दरवाजा यहीं से खुलता है, ये देख सकते हो दरवाजा है स्वर्ग वाला। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को अंदर लेके चलता हूँ। जूता चप्पल यहाँ बाहर निकाला जाता है, और ये देखिए लताएं इसकी। और मस्त देखिए यहाँ कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है दोस्तों। यहाँ का जो डिजाइन है देखिए काफी अच्छा लग रहा है, ये देखिए आप लोग काफी सुंदर तरीके से यहाँ को सजाया गया है, इसलिए इसको माड़ो गुफा कहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ का शिव मंदिर, ये देखिए यहाँ का शिव मंदिर है, और इधर देखिए, और इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस टाइप से कुछ यहाँ है, और आपको अभी मंदिर की ओर भी लेकर चलूँगा। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ शिव भगवान का। ओम नमः शिवाय, जो भी देख रहे हैं उनकी सबकी मनोकामना पूरी हो। ओम नमः शिवाय। अब चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, और बाबा यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हम लोग को पूरी जानकारी देंगे, यहाँ पूरा माड़ो गुफा घुमाएंगे। और ये देखिए माड़ो गुफा एकदम नारियल खाने वाली, देखिए आप नारियल खा रही है, ये फ्रेंडली बिल्ली। वाह, क्या आपने देखा है नारियल खाते हुए बिल्ली को? फिर आप घूम बहन के कोनो जगह रही हो? अटक उटक मत जाने, बिहा करी नहीं कहा तो। अच्छा, पुजारी जी हम लोग यहाँ घुमाने के लिए ले चल रहे हैं माड़ो गुफा पूरा। उसके साथ साथ आप लोग को स्टोरी भी सुनने को मिलेगा जरूर। अब यहाँ इन लोग का बात मान लीजिएगा जो आपको बैकग्राउंड आवाज मिला है उससे। वो निशान वगैरह है, वो पत्थर ला भी दिखा देखो बाबा, सब दिखेगा बच्चे, सब दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड सांप वहाँ भी रहता है, देखिए ये प्रो गुफा ही है ना, कौन तरीके से गुफा दिख रहा है आपको सर? देखिए ना सर, गुफा है तो क्या है, पत्थर के जो इस टाइप से है जो गुफा ही तो बोलते हैं इसको, पता नहीं आपकी भाषा में क्या बंद रहता है जी गुफा। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही खतरनाक दिखा रहा है इधर का आगे। और ये कहाँ क्या हमारे भांचा का बकर शुरू हो चुका है, उससे भी कहाँ सांप आप देखने जा रहे हैं दोस्तों? कल फ्रेंड ने यहाँ सांप देखा गया था, एक अजगर सांप इस आस पास के बीच में एकदम मतलब इतने है वो अजगर। हाँ, और बता रहे हैं ये देखिए अजगर का बिल, साफ है मतलब यहाँ से रगड़ते हुए निकला होगा, ये आप लोग देख सकते हो बड़ा भारी का यहाँ अजगर सांप है ऐसा बता रहे हैं। ये फ्रेंड मैं आप लोग को आगे लेकर चल रहा हूँ, और ये देखिए इस टाइप से देखिए फ्रेंड, और ये है गुफा। इसमें से अरे बाप रे, देखिए फ्रेंड बहुत तो भारी पत्थर, और ये देखिए इधर भी देखिए, और ये पूरा, और हम लोग को जाना है अभी इस वाले हो जा रहे ना, तो हो रहे टेढ़ा हो, ये देखिए टेढ़ा हो, लाइट हम सुनावे तो, और यहाँ का स्टोरी भी बहुत खतरनाक है आप देखिए। मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ, देखिए बहुत ही खतरनाक है गुफा दोस्तों, अभी देखिए हम लोग को टेढ़ा होके यहाँ जाना पड़ेगा। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड बहुत ही खतरनाक, और ये ऊपर देखिए मोबाइल से तो इसको कैप्चर करना नामुमकिन है, बहुत छोटा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ओह माय गॉड, और इन लोग को देखिए हंसे हैं, इतना मोटे भी नहीं हुए लेकिन इन लोग को डर से मैं मतलब बता नहीं सकता।
बिल्कुल जगह चले नाटक मत कर। इन लोग फंस चुके हैं देखिए, कुछ ज्यादा मोटे हो चुके हैं। चार्ण। चार्ण। हाथ देवा जल्दी। और हाथ देख फूल तो देख कर ना भगवान के सम इतना वजन कहाँ से आ गया। इस मेहनत के लिए भगवान आप लोग को एक लाइक तो बनता है यार। हम लोग इस तरह से पार हुए हैं यहाँ। बहुत खतरनाक गुफा, ये देखिए। और इस तरह से, और ये देखिए फ्रेंड, हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं। गुफा खत्म। निकल के आए हैं और यहाँ का स्टोरी मैं भी आप लोग को बता ही रहा। सॉरी, और अभी बाबा बताएंगे हम लोग को यहाँ का स्टोरी। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ करो सरपंच जी रही ना रतन से झारामा कर, तो उमन रोड बनवा के पूरा रात एरिया ला ले रही, पूरा यहाँ उथल उथल कर मतलब जुगाड़ करे के बड़े यहाँ आइन कहा तो जंगल में खोजे जगह जगह। तो शाम के आइन, तो शाम के जिसे आइन रतन साय जी, तहाँ उमन कर सुरता पूरा भुलाए जिसका है। वो एक रात ढेरे जंगल में रहेगी, वही मन ला बाद है सपना दिन की उमन ये जगह है साफ सुथरा करवाओ और पूरा मतलब यहाँ मंदिर बनना है के कन कहीं। तो सपना में वो मनला दे दिन तहाले पूरा एरिया के ला जुमे के कहीं कि चलो मारो गुफा में इसने इसने वाला खोजे खोजिन भी रतन सैला यहाँ एक दो दिन रात के या दिन के रहेगी मन कर कोई सुरता नहीं आई कहा तो मन कर होश नहीं रिस। तो सपना में दिन तहाले ठीक है मंदिर बनवा, उसके बाद यहाँ पूजा पाठ करेंगे लोग भाव भक्ति करेंगे कहकर मतलब यहाँ मंदिर कर स्थापना करें। ओकर बाद में विष्णु देवला बतन सब कुछ करीन, तो पुजारी एला अपन मन ला छेंट छेंट के लानी से यहाँ उदाल जारी हो अपन मन से निकाल मतलब ओला भगवान हो भगवान यहाँ लानी नहीं हो। अच्छा, तो यार ओ जो मंदिर बनिस देखन कर रहस्य है। अच्छा अच्छा। और ओ जो ओ महाभारत काल कर हरी सब पत्थर मने कहा तो ओकर निशानी है। निशानी ओ मतलब पांचो पांडव कोन भीम कर बियाह होइस, कोन अर्जुन कर, कोन नकुल कर बियाह होइस वो समय करे है। वो जो गुप्त वनवास में रही तो गुप्त वनवास में तो आंतरिक में तो हृदय ला लगा कन तुम्हें अंतर ध्यान हो कन देखियो तो पांचों पांडव कर अभी वो मड़वा पखना तुम ला जाबो हम पांचों पांडव का मड़वा पखना को भी दिखाएंगे। हो लोहाटी पखना वगैरह सब है वहाँ। अच्छा, मैं आप लोगों को ले आगे लेकर चलता हूँ। मैं अब आप लोग को अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए बाबू भाग चीटी है का? अरे चिबराही चाटी, चिबराही चाटी। अगर एक बार चाप दे तो फिर ये देखिए। और चलिए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ, बहुत ही खतरनाक और रहस्य। और देखिए वहाँ ऊपर गिद्ध भी दिखाई दे रहा है, वो देखिए, वो देखिए चमगादड़। और देखिए फ्रेंड देखा तो चल ज्यादा मोटापा भी दिक्कत है, रस सड़स के निकल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ को काट दिया चीटी और सबका पैर को काटा है। सब पापी हैं इन लोग, मैं भी पापी हूँ, इनका पैर को भी काटा है। ये भी छटपटा रही है, पता नहीं उनको नहीं काटा होगा। और ये देखिए ये भी सब तरफ गुफा ही है। और ये लोग इसमें से चढ़े हैं, देखिए अभी हम लोग को इसमें से चढ़ना पड़ेगा।
पीछे तरफ से इनको धक्का भी मारना पड़ेगा लग रहा है। आते नहीं, अभी धमक धमक चढ़ेगी। हम लोग अभी एक छोर में और आ गए हैं, देखिए यहाँ पत्थर, इस रास्ते से आए हैं और भांसी लोग तो आ नहीं पाए, इसमें से आते हुए अब यहाँ से पार करके यहाँ आ गए और यहाँ भांसा श्री बैठ चुके हैं बाबा जी। और ये देखिए मंदिर, इसी एरिया में पूरा फैला हुआ है। और जो आप उधर आगे देख रहे हैं, ये वाला पत्थर नहीं, उससे पीछे वो है मड़वा पखना है वो वाला, वहाँ भी अभी अच्छे से दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये जो फ्रेंड देख रहे हैं आप, यही है वो पत्थर, देखिए फ्रेंड यही है वो मड़वा पत्थर जहाँ भीम भगवान का शादी हुआ था, ये है पूरा मड़ा हुआ है और ये पत्थर बन चुके हैं। एंगल से मैं शूट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बहुत बड़ा पत्थर है और ये पूरा मड़ा हुआ है, कहने का मतलब रखा गया है टाइप से दिख रहा है। और मैं आप लोगों को अभी अंदर लेके चल रहा हूँ मंदिर के, ये देखिए। और ये देखिए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, ये देखिए पूरा मड़ा हुआ है। तो यही है महाभारत कालीन भीम का शादी यही हुआ था, ये देखिए, और ऐसी मान्यता है यहाँ का। और चलिए बाबा थोड़ा सा और भी जानकारी देंगे यहाँ के बारे में। महाभारत समय काल है जो वो समय है, यहाँ गुपत वनवास पांचों पांडव यहाँ रहीन है, वो समय है यहाँ भीम कर मतलब शादी हो ते समय कर हर मतलब उस समय कर पौराणिक के पत्थर अभी भी ये देखिए फ्रेंड मतलब है कहा तो हाँ। और वो पत्थर बन चुके हैं और यही एक निशान है यहाँ का, यहाँ का निशान ही है। बाकी देखिए ध्वन से जो आदमी दिखेगा तो मतलब सेत के रूप में मतलब पांचों पांडव यहाँ दिखेंगे अंतर्मन से, अंतर्मन से। और जो अंतर्मन से दिखेगा उनको ये पांचों पांडव दिखेंगे यहाँ, सभी भगवान यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये पूरा लदा हुआ है और यहाँ पूरा पूरा पत्थर छानी है, पत्थर पत्थर की छानी देख सकते हो, ये देखिए आप लोग, ये इस तरह से कुछ है। यहाँ कोई अलग से नहीं है कि इसको उठाया गया है या बनाया गया है। देखो फ्रेंड अभी इस पत्थर को मैं उठाने वाला हूँ, आप लोग देखो लेकिन अफसोस की नहीं उठा पाएंगे, बाद में हमसे ना उठ पाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, विदा लेते हैं, विदा लेते हैं। और ये है भीम भगवान का जो है क्या बोलना चाहिए जहाँ शादी किए थे हुआ। तो आप लोग भी आइए और माड़ो गुफा का मजा लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है ये, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों दोस्तों ये है लोहाटी पखना, ये आप लोग देखो जब शादी हुआ था उस समय ये इसी को बजाए थे, ये देखिए ये पूरा बाजा के समान दिखाई दे रहा है, ये पूरा आकार है उसी से में देखिए, लेकिन अब ये पत्थर बन चुका है, ऐसी मान्यता है यहाँ। दोस्तों मान्यता है कि महाभारत युग में पांडव यहाँ गुप्त वनवास के समय आए हुए थे और इसका प्रमाण आप लोगों ने देखा कि ये पत्थर मतलब जो मड़वा था वो पत्थर बन चुका है, या झूठ ये तो पता नहीं, आप भी आकर यहाँ दर्शन कर सकते हो। दोस्तों हम लोग अब घूम चुके हैं पूरा माड़ो गुफा और यहाँ शंकर भगवान का दर्शन किए, और अगर आप भी आ सकते हो यहाँ, और इसलिए मैं यहाँ के पुजारी जी से मिलाता हूँ, चूड़ामणि पुजारी जी से। ये हैं यहाँ के पुजारी जी, चूड़ामणि पुजारी जी। यहाँ आप कब से पूजा करते आ रहे हैं, कितने दिन, कितना दिन से पूजा? 22-23 साल से जाते। अच्छा, यहाँ 22-23 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। और चलिए, और यहाँ की देखिए एक दादी सोई हुई है, भाचा बात कर रहा है। और दोस्तों ये है पुजारी की माँ, हाँ फोटो खींचा था तोरला तो के ले के ही चल जावे हल हमर से ना नहीं जा काबर काबर जांगा ए नहीं जा में बिहा कर रहे था बच्चा जावे ओ नहीं जा कर रहा कर दिया तो के राखू कहते हैं तो के सेवा कर ही तो नहीं जिन कर ही मरे बेरा है। चलिए फ्रेंड अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं घर की ओर, काफी मजा आया यहां, आप भी आ सकते हो। और अगर आप आइएगा तो यहां महाशिवरात्रि में आइएगा, मेला लगता है यहाँ, बहुत भयंकर मेला लगता है। और यहाँ पुजारी जी ने बताया कि हम यहाँ
बहुत बड़े बड़े सांप हैं, लेकिन हम लोग को वो देख नहीं पाया। कल ही खुद यहाँ लेलुंगा से दरोगा लोग आए थे तो बता रहे थे कि उन लोग को मिला, लेकिन हम लोग को तो नहीं मिल पाया उस टाइप से कुछ। फिर कभी आएंगे, अगर मिलता है तो फिर उसको भी दिखाएंगे। जरूर आइए। भाती बोल रही है कि एक बार जरूर आइए यहाँ। तब तक और फिर वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय जसपुर।